जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रागी खाने के फायदों से रूबरू करेंगे। रागी को मंडुआ और नचनी सहित और भी कई नामों से जाना जाता है, मगर आज इस वीडियो में हम इसे रागी ही कहेंगे। रागी एक अनाज है जो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ये अनाज भारत से बहुत सारे देशों में बहुतायत मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, निर्यात किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रागी के विश्व के कुल उत्पादन का 58% उत्पादन भारत में होता है। और सबसे बड़े दुख की बात है कि भारत में बहुत ही कम लोग हैं जो रागी के स्वास्थ्य फायदों को जानते हैं। रागी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक अनाज है, लेकिन लोग जानते ही नहीं हैं, और यही कारण है कि यहाँ लोग इसे बहुत कम उपयोग में लेते हैं। वो लोग जो रेडीमेड मिस्सी रोटी का आटा लेकर खाते हैं, वो जरूर जाने अनजाने में रागी का लाभ ले रहे होते हैं। जी हाँ, भारत में कई अनाजों को मिलाकर उसके आटे से रोटी बनाई जाती है, जिसे मिस्सी रोटी कहा जाता है। और मिस्सी रोटी के आटे में एक अनाज रागी जरूर शामिल किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आप भी अपने भोजन में रागी को शामिल करना पसंद करेंगे। तो रागी के फायदे और नुकसान जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं रागी की फायदों की। रागी से आप अपनी हड्डियों को सदा जवान बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, रागी आपके दांतों को, आपकी हड्डियों को सदा के लिए जवान और मजबूत बनाने में मदद करती है, क्योंकि रागी में जितना कैल्शियम होता है दूसरे किसी भी अनाज में नहीं पाया जाता है। रागी एक कारण ही हड्डियों के चटकने और टूटने से बचाती है, हड्डियों को मजबूत करती है, दांतों को मजबूत करती है। अपने जीवन में कृत्रिम कैल्शियम की गोलियों को खाने की बजाय आप खुद को और अपने बढ़ते हुए बच्चों को कैल्शियम की पूर्ति के लिए भोजन में रागी जरूर शामिल कीजिए। रागी कैल्शियम से भरपूर होती है और ये आपकी हड्डियों को, आपके दांतों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाती है। लोग अपने बढ़े हुए वजन, अपने मोटापे से काफ़ी परेशान रहते हैं, अपने बढ़े हुए पेट से काफ़ी परेशान रहते हैं, और रागी खाने से आप अपने अनावश्यक वजन को, अनावश्यक फैट को कम कर सकते हैं। जी हाँ, रागी में फैट अन्य सभी अनाजों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, खासकर गेहूँ और चावल, इनसे बहुत ज़्यादा कम होता है। और आप अपने भोजन में गेहूँ और चावल ही सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो अपने भोजन में रागी लेना सीधे सीधे आपके वजन को कम कर सकता है। आप अपने भोजन में मिक्स आटे के रूप में भी रागी का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये वजन कम करने का एक बेस्ट उपाय है। अच्छा, रागी में ट्रिप्टोफन नाम का एक एमिनो एसिड होता है। ये एमिनो एसिड आपकी भूख को कम कर देता है, यानी कि अनावश्यक खाने से आपको बचाता है। तो रागी को सुबह सुबह लेना सबसे अच्छा माना जाता है। आप अपने नाश्ते में रागी को ले सकते हैं, ताकि आपका पेट आपको पूरा दिन भरा भरा लगे और आप बार बार खाने से बचें। स्वस्थ रहने के लिए पेट और पाचन का सही होना बहुत ज़रूरी है, और पेट साफ होने के लिए भोजन में फाइबर का होना ज़रूरी है। तो रागी में उच्च मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इसमें मौजूद फाइबर भोजन के पाचन में सहायता करता है, आपकी पेट को साफ करने में, यानी कि यदि आपको कब्ज रहती है तो कब्ज को दूर करने में भी आपकी मदद करता है, और आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने से भी बचाता है। तो अपने पेट को तंदुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने भोजन में रागी जरूर से शामिल करनी चाहिए। रागी में मौजूद उच्च पॉलीफेनॉल और फाइबर ना केवल आपके पेट को ही साफ करते हैं, बल्कि ये आपको मधुमेह, यानी कि शुगर की, डायबिटीज की बीमारी को होने से भी बचाते हैं। मधुमेह के रोगी रागी पर पूरी तरह से, पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। नियमित रूप से जिनके भोजन में रागी होता है, ऐसे लोग मधुमेह के बहुत कम शिकार होते हैं, और जिन लोगों को मधुमेह है वो अपने भोजन में रागी को शामिल करके उसे काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। रागी खून की कमी, यानी कि एनीमिया को दूर करने में भी मदद करती है। तो जिनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है या काफ़ी कम रहता है, ऐसे लोगों को अपने भोजन में, अपने आहार में रागी को जरूर शामिल करना चाहिए। ये एक रामबाण घरेलू उपाय हो सकता है खून की कमी दूर करने के लिए। रागी में एमिनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से
आराम देने में मदद करते हैं, डिटॉक्सिन करते हैं, शरीर के जहरीले पदार्थों को बाहर निकाल कर आपको रिलैक्स रखते हैं। और रोज़मर्रा में जो छोटी मोटी बीमारियों से आप जूझते हैं, जैसे कि तनाव, चिंता, अनिद्रा, सरदर्द और अवसाद, इनसे बचाने में अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ये काफ़ी मदद करते हैं, जो कि रागी में भरपूर मात्रा में होते हैं। तो रागी के नियमित उपयोग से आप चिंता, अनिद्रा, सिरदर्द जैसी छोटी मोटी समस्याओं से, सामान्य समस्याओं से तो वैसे ही बचे रहते हैं। ऐसी माताएं जो अभी बच्चों को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, उनको अपने भोजन में रागी जरूर से शामिल करना चाहिए। खासकर जब रागी हरा होता है उस समय का रागी जरूर से शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये माँ के दूध को बढ़ाता है और दूध को आवश्यक एमिनो एसिड्स, लोहा और कैल्शियम भी प्रदान करता है। तो ये बच्चे के लिए, बच्चे के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो माँ और बच्चे के पोषण के लिए रागी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, रागी त्वचा को जवान बनाए रखने में भी मदद करती है। इसमें मैथियोनिन और लाइसिन जैसे महत्वपूर्ण एमिनो एसिड्स होते हैं। अच्छा, ये एमिनो एसिड्स त्वचा में झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं, झुर्रियाँ आने ही नहीं देते हैं। तो रागी में विटामिन डी भी होता है, और विटामिन डी वैसे सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है, लेकिन आप काफ़ी मात्रा में ये रागी से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा को जवान बनाए रखने में भी मदद करती है। तो रागी के नुकसानों की बात करें तो रागी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। आप अपने भोजन में, जैसे यूँ समझिए कि आप जब घर में यदि आप गेहूँ पीसते हैं तो गेहूँ में आप शामिल कर लीजिए 5 किलो गेहूं में लगभग 200 ग्राम रागी आप डाल सकते हैं। ये शरीर में आपको फ़ायदा करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप रागी को शामिल करते हैं तो ये इसमें क्या, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये गुर्दे की पथरी जिन लोगों को रहती है उनको कम लेना चाहिए, क्योंकि ये गुर्दे की पथरी को बड़ा कर सकती है, ऐसा कहते हैं। प्रैक्टिकली अभी कभी सिद्ध नहीं हुआ है ऐसा, लेकिन ऐसा हो सकता है, नुकसान ऐसा हो सकता है, और कोई दूसरा नुकसान देखने को नहीं मिला है। रागी में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जिसके कारण यह हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके उपयोग से हृदय की धड़कनें काफ़ी नियंत्रित रहती है। तो जिन लोगों की धड़कनें अनियंत्रित है उनको चाहिए कि वो अपने भोजन में रागी शामिल कर सकते हैं। फाइबर की अच्छी मात्रा के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। लेकिन जो लोग किडनी की समस्या से ग्रस्त हैं, जिनकी किडनी में पथरी है, स्टोन है, ऐसे लोगों को रागी कम मात्रा में खानी चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह से खानी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपकी किडनी का स्टोन बड़ा हो सकता है। बाकी सभी लोग, छोटे बच्चे, 28 दिन के बच्चे को भी आप रागी का दलिया खिला सकते हैं। तो यदि आप भी रागी का उपयोग करना चाहते हैं तो ये आपको बड़ी ही आसानी से अपने शहर में जो लोग अनाज रखते हैं उनके पास मिल जाएगी, या किराने की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगी। और यदि आप घर बैठे ही ऑनलाइन बाज़ार से इसे खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन बाज़ार में भी आपको ये अमेज़ोन पर आसानी से मिल जाती है। 1 किलो की पैकिंग और 5 किलो की पैकिंग आसानी से अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन बाज़ार से रागी खरीदना चाहते हैं, लगभग 100 रुपये केजी ऑनलाइन बाज़ार में ये मिलती है। बड़ी मात्रा में यदि आप खरीदते हैं तो थोड़ी कम प्राइस हो जाती है। तो ऑनलाइन बाज़ार से यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक छोड़ रहे हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो आप ऑनलाइन बाज़ार से भी इसे खरीद सकते हैं। तो आशा है इतने सारे फ़ायदों को जानने के बाद आप अपने भोजन में रागी को ज़रूर से शामिल करना पसंद करेंगे। तो बस इसी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।